इन लोगों ने लॉकडाउन लगा लिया तो हम पहले परेशान है दीदी, ना बच्चों के फीस भर पा रहे हैं, ना अपना घर गृहस्थी व्यवस्थित चला पा रहे हैं दीदी, और ना बैंकों की किस्तें भर पा रहे हैं। बैंक वाले भी हम लोगों पे प्रेशर डाल रहे हैं दीदी। हमारी ये स्थिति है दीदी कि हम अब मरने के कगार पे हैं, यानी फांसी लगाने के कगार पे दीदी, चारों तरफ से परेशान है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm in the main market here in Maheshwar, which is known as the weaving capital of Madhya Pradesh, famous for the Maheshwari sari. As the state battles and reels under the second wave of COVID, we find out how this small town, famous for the Maheshwari sari, battles not just the second wave of COVID but also the economic shutdown with all markets here shut. Maheshwar's main market wears a deserted look. The second and deadlier wave of coronavirus hit just when the air had begun to fill with the clicking of looms in every other house. लॉकडाउन से ही परेशान हूँ दीदी जी। व्यवसाय में तेजी आ नहीं पाई दीदी, और उसके बाद ये और नया लॉकडाउन, बच्चों के फीसें हैं और घर गृहस्थी के खर्चे हैं, उससे बहुत परेशान है दीदी हम लोग। और जब भी सीजन आता है ये लॉकडाउन लगा देते हैं, ना बच्चों की फीस भर पा रहे हैं, ना अपना घर गृहस्थी व्यवस्थित चला पा रहे हैं दीदी, और ना बैंकों की किस्तें भर पा रहे हैं। बैंक वाले भी हम लोगों पे प्रेशर डाल रहे हैं दीदी। हमारी ये स्थिति है दीदी कि हम अब मरने के कगार पे हैं, यानी फांसी लगाने के कगार पे दीदी, चारों तरफ से परेशान है। और व्यापारी को किसी तरह से सरकार है ना कोई भी सुविधा देने को राजी नहीं है दीदी। अंसारी's fate is similar to that of others. Workforce has been cut down to a third of the regular numbers as business plummets to just 10% of what it used to be in pre-COVID times. एक साल से तो पूरा काम धंधा ऑर्डर वगैरह कुछ आ नहीं रहे हैं। लास्ट की गिनती में देखा जाए तो पूरा लॉस ही है, क्योंकि व्यापार तो कुछ चले ही नहीं है। जो स्टॉक था वो भी अभी रखा हुआ है उसमें 10 स्टाफ था पहले लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन ये वो वाले लॉकडाउन में तो काफ़ी स्टॉक था, करीब करीब 1000 साड़ियाँ थी, 1000 से 2000 साड़ियाँ। अच्छा। उसमें से 2000 साड़ियाँ जी। यहाँ 50 कारीगर काम कर रहे थे, अभी तो 5-10 कारीगर चला रहे हैं, अभी बिल्कुल बंद कर रखा है। लॉस तो पूरे साल का लॉस ही है ना करीब देखे जाए तो। जो ऑर्डर्स आने चाहिए थे वो अब मुझे हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये ऑर्डर सब बाहर से व्यापारी लोगों को आता था, जो कि हम लोगों को वो धागा डाई के लिए देते थे, लेकिन सब दिल्ली में, बॉम्बे में, सभी जगह पे मार्केटों में अभी सब शॉपें बंद हैं। लॉकडाउन सब जगह चल रहा है, कभी इधर लग जाता कभी उधर लग जाता, तो उससे काफ़ी संकट वाला काम हो गया है। महेश्वरी साड़ियों का जो धंधा चाहिए बिजनेस, वो अभी लगभग देखे जाए तो सिर्फ 10-15% चल रहा है। कारीगर्स आर विटनेसिंग अ सिमिलर फेट। 24-year-old अनार सिंह कनेल हैज बीन वर्किंग हियर सिंस ही वाज 16। ही केम टू वर्क आफ्टर 8 डेज बिकॉज देयर इज जस्ट नॉट इनफ डिमांड। ही इज द सोल अर्निंग मेंबर इन हिज फैमिली ऑफ 5। पिछले साल से लॉकडाउन लग रहा था, उस समय से बहुत नुकसान हो रहा है, काम नहीं सहसार चल रहा है हमारा, और बहुत छोड़ पकड़ चल रहा है काम हमारा। अब क्या करें, पैसे ही नहीं तो काम तो करना पड़ेगा, जो भी थोड़ा बहुत जो भी होगा वो करेंगे हम काम। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे आ जाता हूँ, फिर शाम को 6 बजे तक करते हैं जी। हाँ यही टाइम, ज़्यादा टाइम भी करते थे, ज़्यादा ऑर्डर रहते थे तो सुबह 7 बजे आ जाते, फिर 9 बजे तक करते थे जी। अभी कम ऑर्डर है। हाँ तो अभी जल्दी चले जाते हैं, पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद से बहुत कम हो गया है बनाना वगैरह। और लगभग कितने लोग काम करते थे आपके साथ पहले? यहाँ पे 8 लूम तो यहीं पर, बाकी तो बाहर दिए हुए हैं जी। 8 अभी तो सिर्फ 3-4 आते हैं, बाकी तो घर पे दिए हुए सभी के। Amid this loss of business and employment, Aziz Ansari stands out as a beacon of hope, offering opportunities to those rendered jobless in this pandemic. लॉकडाउन के बाद भी सेम कंडीशन में काम करा हमने, क्योंकि इसी टाइम तो बुनकरों को जरूरत थी काम की, बाकी टाइम तो ऑलरेडी चला करता कम ज़्यादा। बाकी इस टाइम जिस टाइप से मरीजों को दवाई की जरूरत थी, इसी तरह लोगों को इस वक्त काम की जरूरत थी, तो हमने अपने बिहाफ पे विदाउट ऑर्डर काम बनाया और स्टॉक में रखा। देयर सीम्स टू बी लिटिल होप फॉर द फ्यूचर एज द वीवर कम्युनिटी बैटल्स वन लॉकडाउन आफ्टर अनदर, बट मेनी ऑफ देम से
that this is all they know how to do. With Taran Deol, this is Revati Krishnan reporting for The Print.